सनातन सबर का परिवार आदिवासी बस्ती आस्था कोवाली में रहने वाले सबर जनजाति के परिवारों में से एक है। भूख, कुपोषण, बीमारी, इस परिवार की तस्वीरों में भला आप इसके अलावा क्या देख सकते हैं? शायद स्वच्छता की कमी। हाँ, गरीबी भी जोड़ी जा सकती है। परिवार नियोजन के प्रचार के लिए छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा दिया गया था। सनातन का परिवार भी छोटा है, लेकिन जिन हालात में उनका परिवार रह रहा है उसे सुखी परिवार तो नहीं कहा जा सकता है। नहीं, हम लोग सिर्फ दो आदमी हैं और दो बच्चे हैं और कोई नहीं, माँ बाप बैठ। सनातन सबर के पिता की मृत्यु कैसे हो गई उन्हें इस बारे में ठीक ठीक कुछ नहीं पता है। उन्हें तो अपनी सही सही उम्र का अंदाजा भी नहीं है। जब मेरा पापा का डेथ हुआ, केरल में हम था, केरल में था, तो हमको फोन किया घर से, आ जाइए, पापा का डेथ बड़े हो गया, आ गए। हाँ, 10 साल माँ है और दूसरा उसका हो गया है, मतलब शादी दूसरा, माँ ने किसी और से शादी कर ली। इस बस्ती में अकाल मृत्यु बेहद ही सामान्य बात है। इस समुदाय के संबंध में जब अकाल मृत्यु की बात की जाती है तो उसका मतलब किसी दुर्घटना या किसी असामान्य कारण से मृत्यु नहीं होता है। यहाँ कुपोषण, भूख और टीबी से मौत होती है। अकाल मृत्यु इसलिए कही जा रही है क्योंकि भारत में जो आज जीवन प्रत्याशा है उसकी तुलना में इस समुदाय में लोग बहुत कम साल जी पाते हैं। भूख और मौत के खेल में परिवारों में रिश्तों की पकड़ भी ढीली हो रही है। यहाँ परिवार तेजी से टूट रहे हैं। पापा डेट हो गया तो हम भी नहीं था घर में, तो हम तो बाहर तरफ गया था, तो उसे समय आके देख रहा है, तो हम वाइफ को पूछ रहा है कि मम्मी कहाँ गया, तो बोल रहा है वो या संगा हो गया कि दूसरा के साथ भाग गया, लड़े दूसरा के पास शादी हो गया बोल रहा था। अच्छा। आस्था कोवाली झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में डुमरिया ब्लॉक की एक आदिवासी बस्ती है। यहाँ सबर आदिवासी परिवारों को बसाया गया है। आदिवासी समुदायों में कुछ समूह ऐसे हैं जिनके विलुप्त होने का खतरा बताया जा रहा है। सबर उन्हीं समुदायों में से एक है। इस बस्ती में खड़े होकर यह खतरा आप साफ साफ देख सकते हैं। यह पूरी बस्ती एक अजीब से अवसाद से घिरी हुई दिखाई देती है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने बारे में या किसी के भी बारे में कोई बातचीत करने में कोई रुचि नहीं दिखाता है। अच्छा, तुम्हें कि शुरू ते के एखाने ही थाकछो तुमरा ना आगे कोथाय और बाड़ी छिलो? इथाई। पूरो कथा बोलो ना एक बार, बोलिए तो उनको पूरी बात बताने के लिए कि पूरी बात बताएं, वो अभी हाँ ना में जवाब दे रहे हैं। ये था बांग्ला तो बिन बुझो दरे थे क्या से? हाँ है जाए कुली बिना अने नेडे तीन अपे खड़े को मिना पिया तीन उड़ा पून उड़ा पून उड़ा चार घर। अच्छा, नहीं तो दादा তোমরা কী কাজ করো, জঙ্গলে যাও, কী কী আনো ওখান থেকে একটু বলো তো আমাকে। আমরা কিছুই বানাই পারি আর কি আনবো। सबर जनजाति को भारत सरकार ने झारखंड में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के तौर पर चिन्हित किया है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं के अलावा इस समुदाय के लिए अलग से भी कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं। मसलन सरकार की तरफ से इस बस्ती में भी सबर आदिवासियों के लिए पक्के घरों का निर्माण किया जा रहा है।
लेकिन इन घरों के भीतर झांकने पर जो दिखाई देता है उसे गरीबी नहीं कहा जा सकता है। कंगाली कहकर भी इस हालात को सही से प्रकट करना मुश्किल ही लगता है। हम लोग को तो 35 केजी चावल और कुछ नहीं, चावल ही सिर्फ। और सरकार ने नया घर बना के दिया है? हाँ दिया है। कब बना है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले भी एक बार आपको घर बना के दिया था, दोबारा भी दिया है? नहीं, एक बार ही। हाँ बताइए ना, पूरी बात बताइए। 2021-22। हाँ ऐसे। हाँ क्या हुआ 21-22 में? ये जो घर बना। घर बना तो कितना बड़ा घर बना है आपको? देख रहे हो, सरकार ने बना के दिया है। क्या बात है? घर बनाने के लिए सरकार ने आपको पैसा दिया या घर बना के दिया आपको? नहीं, पैसा दिया। 1,00,000 कितना था जो? 30,000। हाँ हाँ, तो उसमें ये घर बनवाया है? जी सर। पूरा हो गया घर? नहीं, बाकी थोड़ा खर्चा कर लिए हैं, थोड़ा सा अक्टूबर नवंबर में दे देंगे इसको पैसा। अच्छा। जी, जिसने पकड़ा था। हाँ हाँ, घर उसको दे देंगे। 12,000 रुपया खर्चा हुआ है। 12,000 रुपये कहाँ खर्चा हो गया? बच्चा बहुत भूखा हो रहा था। बच्चा बीमार हो गया। सबर आदिवासी जीने के लिए छोटी मोटी मजदूरी करते हैं। इनके लिए स्थायी रोजगार या जीविका के साधन के कोई उपाय यहां मौजूद नहीं है। या तो ये उपाय किए ही नहीं गए हैं या फिर कामयाब नहीं हो पाए हैं और इसलिए बंद कर दिए गए। छोटी मोटी मजदूरी के अलावा जंगल से लकड़ी और पत्तों से कुछ पैसा इन आदिवासियों को जरूर मिल जाता है। काम गाड़ी में करते हैं, ट्रैक्टर वक्टर। अगर धान का सीजन में बिल में काम करते हैं, नहीं तो पहाड़ जाते हैं अभी धूप का सीजन में। अच्छा। पत्ता वत्ता लाता है, उसको टिप करके या करके बांध करके बेच देता है। अच्छा। गाड़ी में काम करते हैं। अच्छा। ट्रैक्टर में। हाँ हाँ हाँ, मजदूरी करते हैं। हाँ मजदूरी है। और सबर लोग का क्या काम है? जंगल जाते हैं। 2011 की जनगणना के हवाले से झारखंड में सबर जनजाति की जनसंख्या 9,898 बताई गई है। यह आंकड़ा कुछ सुधर सकता है क्योंकि सबर जनजाति के कुछ लोग अब रोजगार की तलाश में पलायन भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस जनजाति को विलुप्त होने के खतरे से मुक्त नहीं बताया जा सकता। इस जनजाति के लोगों के पलायन पर भी कई बार चिंता प्रकट की जाती है। ये चिंता कई मामलों में सही भी है क्योंकि पलायन करने वाले परिवारों को सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे लगता है कि इन आदिवासियों की मुक्ति पलायन में ही है। इन बस्तियों में तो इनके लिए सिर्फ भूख, कुपोषण, बीमारी और नशा है।